व्हाट्सएप नए नए फीचर लाते रहते हैं, ऐसे में व्हाट्सएप में और एक फीचर आने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये फीचर क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं व्यास मांझी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद मान लीजिए आप कोई चैट को ओपन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई ऑडियो फाइल सेंड किया है या फिर मान लीजिए आपको कोई वॉइस नोट सेंड किया है। तो जब भी आपको ऑडियो फाइल सेंड किया जाता है तो आप उसे यहाँ पे प्ले करके उसे सुन सकते हैं। अब बात क्या करते हैं कि जैसे आप उसे प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद मान लीजिए आप उसे सुनते सुनते आप इसे बैक कर देते हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी दूसरे पे चैट पे चल जाते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ऐप को क्लोज कर देते हैं, तो वो जो ऑडियो होता है वो पॉज हो जाते हैं, यानी वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। बट व्हाट्सएप में जो नया फीचर आने वाला है उसका नाम है ग्लोबल वॉइस नोट प्लेयर। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी चैट में जो ऑडियो फाइल आए हैं उसे अगर आप प्ले कर देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ऐप से भी बाहर आ जाते हैं, तब भी वो जो ऑडियो फाइल है वो प्ले रहेगा बैकग्राउंड में, यानी उसे आप सुन सकते हैं। अगर आप चैट से बाहर आते हैं या फिर ऐप से बाहर आते हैं तब भी आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं, ऑडियो प्ले रहेगा बैकग्राउंड में। ये है नया फीचर जिसका नाम है ग्लोबल वॉइस नोट प्लेयर। और ये जो फीचर है ये बहुत जल्द आपको बीटा वर्जन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक बीटा यूज़र है तो आप भी इसे बहुत जल्द यूज़ कर पाएंगे। आप इस फीचर के लिए कितना एक्साइटेड है आप कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।